Uh, जो आपका सवाल है इरम जी uh, उसमें यही मैं कहूँगी कि ये ड्रेस जो है ये बेसिकली इसमें एक सोशल कॉन्सेप्ट भी आना है और एक रिलीजस कॉन्सेप्ट भी आना है तो अगर एक सोसाइटी या एक लोकेलेटी में रहने वाले शुरू से उसी लोकेलिटी में आबाद हैं और वहाँ पे एक ड्रेस कोड है तो वो उस ड्रेस कोड को अपनाते हुए अपने इलाके का लिबास अपना रहे हैं वो उस कौम का या किसी गैर कौम के लिबास की मुशाबहत इख्तियार नहीं कर रहे होंगे क्योंकि वो वहीं पर पले हैं वहीं पर बड़े हैं वही उनकी सोसाइटी है, है वही उनका माशरा है वहीं उनका उठना बैठना है तो वो उनके लिए उनकी अपनी कौम है गोया तो वो एक गैर कौम से मुशाबहत इख्तियार नहीं कर रहे अगर वो ड्रेस कोड जो उनकी उस सोसाइटी या उस बस्ती का लिबास है अगर उसको जैसे आपने कहा और दुरुस्ती कहा अगर उस

इस हवाले से है कि कोई कस्टम जो खालिस्तन एक गैर कौम का कस्टम है और उसको हमारा दिन निगेट करता है जैसे अगर आप देखें बर्थडेज़ का कॉन्सेप्ट है या बहुत सी त्यौहार जो उनके त्यौहार हैं या उनके कुछ खुशियाँ या उनके कुछ अंदाज़ हैं जिसको कुरान निगेट करता है कुरान और हदीस की तालीमात जिसकी मुखालफत या जिसकी कराखत या जिसकी हरमत बयान करती हैं वो खालिस्त उन का तरीका है लक़ुम दीन वकुमलिया दिन तुम्हारे लिए तुम्हारा जावद हयात है, है और हमारे लिए हमारा ज़बदा हयात है तो वो चीज़ें जो खालिता एक नॉन इस्लामिक के मुताबिक है और एक मुसलमान सिर्फ उस कौम की मुशाबहत की वजह से और उस कौम को कॉपी करने की एक ग्लैमर की वजह से उसके उस तरीके को एक्सेप्ट करता है जिसको कुरान और हदीस निगेट कर रहे हैं तो ये गैर कौमों की मुशाबहत है ये गैर कौमों की मुशाबहत है इसको मना किया क्या है और जैसे अगर आप लिबास की बात कर रही हैं तो उसी इलाके में रहते हुए अगर उनका लिबास बेहयाई की तरफ़ माइल करता है तो उनके बेहयाई के तस्वर को भी लिबास में वो अपना लेंगे तो फिर वो गैर बेह गैर कौमों की मुशाहत के साथ मामला होगा उम्मीद है कि मैं अपनी बात वाजें करने में कामयाब हुई होंगी